नमस्कार, आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। खबर लेकर आ रहे हैं देवरिया जिले से, जहां देवरिया जिले में कोरोना के महामारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पे, बायो वेस्ट मैनेजमेंट सहित साफ सफाई सुनिश्चित कराए जाने का दिया निर्देश। यह खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहाँ जिलाधिकारी आशुतोष रंजन MCH विंग कोविड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, मरीजों से उनके वार्डों में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा बातचीत कर उनसे स्वास्थ्य आदि की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इस अस्पताल के कोविड प्रभारी डिप्टी CMO डॉक्टर संजय चंद्र एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार से चल रहे इलाज आदि की जानकारी की है। उन्होंने डॉक्टर संजय चंद्र को निर्देश दिया कि वे एक मरीज से स्वयं बात कर उनकी नियमित रूप से स्वास्थ्य आदि की जानकारी करते रहें और इलाज की समुचित व्यवस्था ससमय सुनिश्चित कराएँ। उन्होंने बायो वेस्ट के मैनेजमेंट सहित सफाई कर्मियों को भी प्रभावी रूप से सुनिश्चित कराने जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में आने वाले मरीजों का एक्सरे और CT स्कैन पूर्व से ही करा ली जाए, ताकि उनकी इलाज आदि में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने तैनात सभी चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि मरीजों को इलाज में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, साथ ही उनके खाने पीने की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराया जाए। देखिए देवरिया से रवि प्रकाश की रिपोर्ट। जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई जी, बताएं। देखिए, जिला देवरिया में जो कोविड मैनेजमेंट है उसमें उसके संदर्भ में जो भी दिशा निर्देश शासन से आए हैं उसका अक्षरशः पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। शासन का पूरा जोर इस बात पे है कि अधिक से अधिक सैंपलिंग करा करके जो हमारे पॉजिटिव मरीज हैं उनका चिन्हांकन किया जाए, उसके बाद उनका समुचित इलाज किया जाए। जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके सापेक्ष जो लोगों के कॉन्टैक्ट में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा के उनका भी सैंपल कराया जाए। तो जो मैक्सिमम सैंपलिंग है यही एक उसका निदान है, जिससे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहता हूँ। इसमें ये जो सेकंड वेव आई है कोविड की, जो हम लोग मार्च के बाद मान रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें 111,485 तक सैंपल भेजे हैं और उसकी टेस्टिंग करवाई है। वर्तमान में जनपद में जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो 1998 हैं, पॉजिटिविटी रेट हमारा 1.47 है, और इसमें से 1749 लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, बाकी 93 लोग हमारे यहाँ जो MCH विंग में L2 हॉस्पिटल है उसमें भर्ती हैं। जो अवस्थापना सुविधाओं की जहाँ तक बात है, उसमें जनपद में जो L2 हॉस्पिटल बना उसमें 230 बेड हैं और सभी बेड्स में ऑक्सीजन की सप्लाई है। दैनिक मृत्यु की बात करूं तो एक मृत्यु पोर्टल के हिसाब से दर्शाई आ रही है और इस सेकेंड वेव में अब तक कुल मृत्यु 10 हुई हैं। पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक सैंपलिंग करा करके और लोगों का समय से ट्रीटमेंट करके इस स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। इसमें कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ। जैसे कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी या दवाओं की कमी की बात हो रही है, तो जनपद में इसमें स्थिति अभी नियंत्रण में हमारे पास है। रेमडेसिविर की उपलब्धता भी L2 हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन की भी कोई सप्लाई की कोई समस्या नहीं है। सर, एंटीजन किट खत्म हो गया कि टिकट बाहर फेंका जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एंटीजन किट खत्म होने की बात है तो CMSD स्टोर जो है उसमें नहीं खत्म हुआ है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लॉक लेवल तक उसमें हो सकता है कि कहीं पे मोमेंट्री तौर पर खत्म हो गया हो, उसका रिप्लेसमेंट भेजा जाएगा।